देख रहे जनोदय, मैं आपके साथ स्वाति चंद्रा, मुंडका विधानसभा के कराला क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के मनोनीत निगम पार्षद भारत माथुर से हुई विशेष बातचीत। भारत माथुर ने अपने क्षेत्र से हुए विकास कार्यों की दी जानकारी, देखिए हमारी एक रिपोर्ट। सर, जैसे कि आपने पिंछावला रोड के कार्य कराए थे, पर वो रुके क्यों? का ये कारण है मैडम, मैं आपको बता दूँ कि बारिश के कारण ये बंद हो रहा था। और बारिश जब नहीं आई तो उससे पहले रोड बनाया है पिंछावला से और कराला चौक तक, एक साइड का आपने देखा हो बना हुआ है। उसके बाद बारिश आ गई, इसलिए इस कारण ये बंद हो गया। और अभी बारिश बंद हो गई है, अब नहीं आ रही है, तो 3-4 दिन से काम चालू कर दिया है जो पिंछावला से बंदा हुआ रहा है, और मशीनरी भी काम लगा हुआ हो रहा है काम जी। और बीजेपी सरकार को ये कहनी है कि आप पार्टी एक भी कार्य नहीं करा रही अपने कार्य क्षेत्र। नहीं, ये गलत बोल रहे हो। देखो, उनको सिर्फ राजनीति करनी आती, काम नहीं कर रहे। पिछले 5-7 साल में मैं काम बता देता हूँ आपको, मैं पहले अपने कराला गाँव भी बता देता हूँ। सबसे पहले पिछले 5 साल में सुबेदलाल जी विधायक जी के तरफ, उन्होंने तारा मंडू हमारे जो हमने गांव मजरी कराला और आसपास कॉलोनी में सब जाते हैं वहाँ को देने के लिए, और हमने सबसे पहले काम वहीं से स्टार्ट किया था। जो तारा मंडू के आसपास जो आपने ग्राउंड दिखाई दे रहा है सब हमने बनवाया था, और गांव में कुछ गलियां भी हैं वो भी करवाई थी, पानी की लाइन भी चेंज करवाई थी। और कराला गांव में आपने स्कूल देखा होगा, सेकेंडरी स्कूल और बिल्डिंग भी हमने बनवाई थी। और मतलब काम तो बहुत है, मैं बताता हुआ जाऊँगा बाकी, और आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ कराला गांव की और आसपास की कॉलोनी है, जैसे आनपुर धाम हो गया, रूपाली हो गई, राम विहार हो गया, सुखबी नगर हो गया, अक्सो विहार हो गया, इन वहाँ पर रोड बन गए हैं। सुखबी नगर में हमारा पानी की लाइन का भी उद्घाटन हुआ था, उसके पानी की लाइन बिछ जाएगी, उसके बाद रोड बनेंगे। और कैमरे हो गए, वाईफाई हो गई, लाइटें हैं, सब आम आदमी पार्टी ने लगाया, बीजेपी ने क्या कराया है? उनके पहले देखो, पहले भी एमपी बीजेपी का था और अब भी एमपी बीजेपी का है, और काउंसिल भी यहाँ पे बीजेपी का है। उस एरिया में तो आज तक हमने देखे भी नहीं है, और ना वाते निकल गए ना उन्होंने कोई काम कराया है। उनका भी तो फर्ज बनता हो, रिपब्लिक ने उनको वोट दी, जीते हो तो उन्होंने तो काम करना चाहिए ना। सर, ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं करा, इससे ज़्यादा क्या करा है? और जो बाकी काम बच गए हैं अभी कर रहे हैं, और 2 साल से अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना की महामारी चल रही थी, सब हर एक जगह काम भी बंद थे। तो अब MLA जैसे ये धर्मपाल जी हैं, अब उन्होंने भी निकलना शुरू किया, काम कर रहे हैं और काम होंगे। शिक्षा में आप दिल्ली को देखो जी, अरविंद केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बने हैं उस समय के बाद से हमारे शिक्षा और चिकित्सा में एक भारी मात्रा में बदलाव देखने को मिले हैं। जहाँ पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं होते थे, अध्यापक उपस्थित नहीं होते थे, आज उनकी स्थिति काफ़ी बदल गई है। आप सरकारी स्कूलों की तुलना एक उच्च स्तर के प्राइवेट स्कूलों से कर सकते हो। अब इसमें आप परिणाम आप रिजल्ट में देख लो कि 99+ रिजल्ट अभी सरकारी स्कूलों का रहने लगा है। उसके बाद काफ़ी मेधावी छात्र हैं जो उन्हें दिल्ली से बाहर भी जाकर अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली सरकार है वो स्कूलों में खेलों में भी बच्चों की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए भी एक अपने अथक प्रयास कर रही है, उसका परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। बहुत सारा कार्य शुरू है मैडम, आप ज़्यादा पिंछावला रोड का प्रोग्राम अभी शुरू हो चुका था, एक साइड सामने से बैठा और अभी बारिश के कारण वो सारा काम हुआ है, और रिसेंटली हो सकता है कि इस बीच में काम शुरू हो गया। आपको जैसे पता होगा कि वर्तमान लेकिन पहले गोटे गोटे पुरमाणी चला जाता था, तो आज से 4-5 साल पहले रोड बनवाए वो भी आम आदमी पार्टी ने बनवाई, नालियाँ बनवाई वो भी आम आदमी पार्टी, वहाँ पे बिजली पानी हर चीज़ की समस्या का समाधान आम आदमी पार्टी यही करवा रही है। और जो तो आपके बीजेपी के कौंसलर हैं वो तो वहाँ पे आते हैं, घर सफाइयाँ भी नहीं होती हैं, और वहाँ पर मच्छरों की बीमारी रहती है, आपको पता ही है सारे लोग भी, तो उसके लिए भी भाई और जाके वहाँ पर दवाइयाँ देते हैं, घर घर जाके सफाइयाँ करवाते हैं। और उस चीज़ में आपको पता है कोरोना काल में तो वैसे भी किसी भी चीज़ में काम नहीं हो रहा, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, कहीं भी कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे फंड नहीं आएगा तो यहाँ पे कैसे होगा? फंड तो आपको पता है कि कहाँ से आएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम जगमोहन वर्मा, यहाँ हमने काम शुरू किया यहाँ पर अभी बारिश के बाद में हमारा काम शुरू हो गया, और हमारे ये उन्होंने पास भारत बात हो रहे हैं ये भी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, दवाई वगैरह छिड़वा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
देखो जी हम सुपाली कॉलोनी से हैं, मैं ज़्यादातर तेरा रॉन्ग कॉलोनी में, आज तक कोई भी सरकार काम नहीं किया, जो दो बार एमपी बने बीजेपी के, काउंसलर है बीजेपी के, कुछ भी काम नहीं किया। अब जो केजरीवाल जी की सरकार है, इससे पहले दलाल जी ने विधायक, अभी धर्मपाल लकड़ा के हैं, रोड नाली बिजली पानी कैमरे वाईफाई सब है हमारे कॉलोनी में। पहले सात साल पहले क्या था, पट पट फुट गड्ढे थे, पानी होते थे जमा, अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जैसे कि पहले हॉस्पिटल में कार्य नहीं होते थे, लोग जाके लंबी लंबी लाइन लगाए रहते थे, उस पर आपका क्या कहना है कि आपको लाइनें लग रही है या तस्वीरें चेंज नजर आ रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम गौरव चोपड़ा है। मैंने जो है दिल्ली सरकार, जब से दिल्ली सरकार बनी है, जब से मैं देख रहा हूँ, दिल्ली सरकार ने अपने जो भी कार्य हैं बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। अभी पहले हॉस्पिटल जाते थे, चाहे कोई भी इलाज के लिए जाते थे, किसी भी इलाज के लिए जाते थे, तो हॉस्पिटल में या तो जो है एक्सरे मशीन ख़राब होती थी या अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब होती थी। आज की तारीख में कोई मशीन ख़राब नहीं है, सबके एक्सरे, सबका अल्ट्रासाउंड, सब दवाइयां मुफ्त मिल रही हैं, कोई भी दवाइयों की कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट है तो मुख्यमंत्री साहब ने एक नंबर दे रखा है कंप्लेंट का, उस पर कंप्लेंट करते हैं तो दवाई घर तक जो है उपलब्ध कराई जाती है। मैं इस तरीके की व्यवस्था पहले कभी ज़िंदगी में ना देखी है, जब से मैं पैदा लिया हूँ और अभी बड़ा हुआ हूँ, जब से अब तक कोई भी ऐसी सुविधा जो है ना दिल्ली सरकार के जो सुविधा है वो किसी सरकार में नहीं देखी है। सर, पहले की दिल्ली में और अब की दिल्ली में क्या फर्क है? जी, जमीन आसमान का फर्क है। जब से केजरीवाल सरकार आई है, इतनी सुविधा हो गई है गरीब तबके के लिए, कॉलोनियों में पानी, लाइटें, गली गली में तीन तीन चार चार लाइटें जगमग करती है, कैमरे को गीडर होते सोते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें हैं, पानी की इतनी अच्छी सुविधा है। कॉलोनी के बारे में आज तक बीजेपी सरकार ने कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ वो कहाँ की फोटो दिखाती है, इंडिया गेट, करोल बाग, कॉलोनी में कभी नहीं जाती जी, आज तक कोई मलबा तक नहीं गिरा हुआ, और हमारी कॉलोनी में रोड नाली सब केजरीवाल सरकार की कॉलोनी है, आज तक इस कॉलोनी में कोई झांकने वाला नहीं था। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे जन उदय के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।